सोलन में सर्दियों के दिनों में जहां एक तरफ बिजली बोर्ड की आंख में चोली से लोग परेशान हैं, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी का दंश भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। बात बिजली विभाग के कंप्लेंट रूम की है, जहां लोगों द्वारा कई कई बार बिजली कंप्लेंट करवाने पर ही बिजली ठीक हो रही है। यही नहीं, विभाग द्वारा आमजन की सुविधा के लिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए लगाया गया फोन का रिसीवर भी अधिकतर साइड पर रखा जाता है। यहाँ तक कि खाली कंप्लेंट रूम में भी सारा दिन हीटर चलता रहता है और कर्मचारी हीटर बंद करने की जहमत तक नहीं उठाते। वहीं अपने घर की बिजली खराब होने की शिकायत लिखवा रहे तजिंदर ने बताया कि वो सुबह से फोन पर शिकायत लिखवा चुके हैं, उसके बावजूद भी विभाग की तरफ से कोई कर्मचारी बिजली ठीक करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि हारकर उन्हें शिकायत लिखवाने कंप्लेंट रूम तक आना पड़ा। आज मैंने सुबह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेंट करी, सुबह 7:30 बजे से मेरे घर में लाइट नहीं है, इन्हें बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ। परसों शाम को भी मैंने इन्हें 6 बजे कंप्लेंट करी, पर इनका कोई आदमी नहीं आता। अब हार कर जब सुबह 10:30 बजे जब मैंने देखा कि मेरे ऊपरले वाली मंजिल में लाइट है और नीचे मेरे घर में लाइट नहीं है, तो मैं इनके ऑफिस में गया तो वहाँ पे जेई साहब और इनका पूरा स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ और फ़ोन इन्होंने साइड में एंगेज करके रखा हुआ और कोई भी बंदा इनके कंप्लेंट करने नहीं अटेंड आता है। और जब मैंने इनके लाइनमैन से पूछा तो मैंने कहा अगर आप कोई नहीं अटेंड कर सकते तो मैं हायर अथॉरिटी में बात करूँ, तो मुझे इनके लाइनमैन का ये जवाब था कि आप हमारे हायर अथॉरिटी में बात कीजिए, आपको वहीं से लाइट आएगी। तो आज मुझे पूरा एक हफ्ता इनसे परेशानी हो गया है, क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते करते, और इनका कोई भी बंदा जो है कंप्लेंट अटेंड नहीं कर। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को परेशानी ना, जो उसकी शिकायत है वो बिल्कुल ऑन समय पे अटेंड की जाए। अरे धौंस दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोन का रिसीवर साइट पर पड़ा है और शिकायत कक्ष में कोई नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस पर विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। इलेक्ट्रिसिटी विभाग के कंप्लेंट रूम के जेई चंदन शर्मा ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें अभी कंप्लेंट मिली है और अभी कंप्लेंट ड्यूटी रूम में कोई नहीं है। वहीं खाली कमरों में चल रहे हीटर के बारे में पूछने पर उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब मैंने अभी मैं कंप्लेंट रूम में आया तो मैंने देखा कि जो हमारे कंप्लेंट वाले हैं वो नहीं थे इधर, तो वो कंप्लेंट्स करने गए हैं। जो मैंने उनसे पूछा, कुछ 3 या 4 बंदे हैं जो हमारे कंप्लेंट ड्यूटी में रहते हैं सुबह की, और अभी अभी 10 बजे जनरल शिफ्ट वाले आए हैं, तो वो भी जा रहे हैं, वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं और लोगों की कंप्लेंट देख रहे हैं। जो कंज्यूमर आप बोल रहे हैं कि जिनकी कंप्लेंट अटेंड नहीं हुई, उनका अभी अभी जो कंप्लेंट रजिस्टर मैंने देखा उसमें देखा कि करंट कंप्लेंट, उनकी कंप्लेंट भी अटेंड हो रही है, और वो जब मेरी बात हुई तो वो भी अटेंड हो रही है। सर अगर बात की जाए बिजली की, हीटर की बात की जाए, खाली कमरों में हीटर जल रहे हैं, 3-3 ऑफिस कमरे हैं उनमें हीटर जल रहे हैं, बिजली विभाग का ये हाल है, तो बाकी का क्या होगा? जहाँ एक तरफ बिजली बचाने की बात होती है तो उस पर क्या बोलेंगे आप? आपके अंडर ये ऑफिस है, बंद करो इसको मोबाइल को। जी इसको देखेंगे और जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।